भावस देखी रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बकता भय हमको पूछत कौन। यह दोहा रहीम का लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। इनमें इनके नाम है ग्रीष्म, पावस, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। आपने वसंत में कोयल की कूक और वर्षा में मेंढक की टर्र टर्र की आवाजें तो सुनी ही होंगी। जाहिर है कि कोयल की कूक सभी को भाती है, उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय। आपने प्राय एक बार में ही एक ही कोयल का स्वर सुना होगा, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरफ मेंढक एक साथ टर्राते हैं, उनका टर्राना सुनने में बड़ा ही अरुचिकर लगता है। उस शोर में जब और सभी आवाजें दब सी जाती हैं, इससे आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति से प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसमें बताया गया है कि ये वाला दोहा जो है रहीम द्वारा लिखा गया है, और उसमें बताया है कि नॉर्मली हमारे 6 सीजन्स होते हैं, समर और वर्षा यानी कि रेनी, शरद तो मतलब थोड़े सा विंटर, और शिशिर मतलब बहुत मतलब एकदम कड़ाके की सर्दी वाला विंटर, और हेमंत मतलब ऑटम, और वसंत मतलब स्प्रिंग। और उसके बाद यह हुआ कि जब स्प्रिंग में जो कोयल बर्ड होती है वो जब गाना गाती है तो हमने नॉर्मली हम जब सुनते हैं तो उसकी आवाज़ हमको बहुत स्वीट सी लगती है, और उसके आवाज़ की जो स्वीटनेस है और उसके एक गाने में एक सुर होता है तो उसकी वजह से हमको वो सुनने में भी अच्छा लगता है। और नॉर्मली कोयल क्या होता है, वो एक टाइम पे एक ही गाती है, अगर 4-5 भी कोयल साथ में हो तो भी एक ही गाएगी। और उसके मतलब कंपैरिजन में अगर हम मेंढक को देखें तो वो जब टर्राते हैं वो तो वैसे ही इतनी बुरी लगती है आवाज़ उसकी, और ऊपर से वो क्या करता है कि वो ज़्यादा शोर करते हैं, मतलब एक साथ सभी बोलने लगते हैं तो इससे ना तो कुछ सुनाई देता है ना कुछ सही से ढंग से होता है, और फिर एकदम बहुत बेकार सा लगता है। तो इसमें यह रहता है कि जो लोग ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो मतलब उसको कोयल जैसा बताया गया, और मेंढक को शोर शराबा करने वाले व्यक्ति को जो नॉर्मल लोगों के ध्यान खींचने जिसको अपने और ध्यान खींचना होता है वैसे लोगों के बारे में बताया जैसा बोला गया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए हैं, जानकारी ना रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने वाले। वक्ता का मतलब बताया गया, अब हमें कौन पूछेगा अर्थात हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और ना सुने जाने के कारण उनकी बातों का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जो रहीम है उन्होंने बताया कि जो जब वर्षा ऋतु आ जाती है स्प्रिंग में तो कोयल बोलती है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो कोयल को बताओ देखिए अब तो मेंढक जाके टर्राने वाले और अब हमारी बात एक्चुअल में नहीं सुनाई देगी, तो फिर हम फालतू वक्त क्यों बोले इस टाइप से। और जो लोग इसका मतलब ये निकलता है कि जब नॉर्मल से लोग जिनको अपनी ओर सिर्फ ध्यान आकर्षित करना होता है, अट्रैक्शन पाना होता है, अटेंशन पाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग तब मौन धारण कर लेते हैं वो लोग जब बोलते हैं तो, और उनके स्वर में इतना ज्यादा शोर शराब होता है कि ज्ञानवान व्यक्ति को पता होता है कि मेरा शोर मतलब इतने शोर शराबे में मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो तो सुनाई नहीं देगा, वो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो फिर इसीलिए वो चुप रहने को ही अच्छा समझते हैं कि नहीं हम नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़ कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का टर्राना बंद हो जाएगा, फिर वसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर पंचम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हों। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो लोग इसमें क्या ये बोला गया है कि हर टाइम ही चुप रहो और हर टाइम ही वो मतलब एक समझदार इंसान को नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो अगर हम अच्छे से इस दोहे पर ध्यान दें तो इसमें यह बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब मेंढक टर्राते हैं, और जब फिर वो वर्षा ऋतु चली जाती है तो मेंढक का टर्राना बंद हो जाता है, तो तब जाके कोयल बोलती है।
और फिर वह अपने जो संदेश है, अपने जो उसका एक ज्ञान की तरह है, वो हर तरफ फैलाती है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि जो विद्वान इंसान होता है वो हमेशा नहीं बोलता, वो जितना शोर शराब है वो बहुत शांत रहता है, वो सबका चुप होने का और सबको शांत हो जाने का इंतजार करता है, फिर वो सही टाइम पर सही बात बोलता है जिसका फिर इम्पैक्ट बड़ा होता है और फिर उसकी बात ज्यादा लोग ध्यान रखते हैं और उसका जो विद्वता है उसको और ज्यादा उस पर चार चांद लग जाते हैं और इससे उसकी मतलब समझदारी का भी पता चलता है कि उसको सही टाइम पे सही चीज बोलने की। अब नेक्स्ट है, खैर खून खासी खुशी वैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दाबे दबे जानत सकल जहान। आइए छठा दोहा ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सात चीजों या बातों का उल्लेख है, खैर यानी कथा, खून खांसी खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम और मदपान यानी नशीली चीज का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते, यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छुपाया नहीं जा सकता, ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो जाती हैं। खैर यानी कथा पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपना रंग को ऐसे छोड़ देता है, उसे छुपाने संभव नहीं होता। तो आप जानते हैं कि यही है कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। अब इसमें सेवन चीजें बताई गई है कि खैर यानी कथा कुछ जो होता है जो पान में जिसकी पीक निकलती है ना जो लाल लाल, उसकी वजह से निकलती है, और जो खांसी होती है हमारे कफ होता है वो भी नहीं छुपा सकते हम वो तो, और खून भी अगर कहीं पर लग जाए तो उसको भी जब तक हम अच्छे से धोके नहीं निकालते तब तक वो निकलता नहीं, उसको बहुत रगड़ रगड़ के फिर धोने से निकलता है। फिर हमारी जो किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा खुशी है तो वो भी अपने आप झलक ही आती है, चाहे वो मतलब हम हंसे भी ना तो भी हमारी आंखें चमकने लगती है जैसे सबको पता चल जाता है कि हम बहुत ज्यादा खुश है। वैर यानी दुश्मनी, दुश्मनी भी हमारी किसी से होती है तो वो भी पता चल जाता है कि हम किसी से बात नहीं कर रहे हो तो पता चल जाता है कि देखो हाँ ये और ये इसकी दुश्मनी है। फिर प्रीति यानी प्रेम, मतलब किसी से अगर कोई प्यार करता है तो वो भी पता ही चल जाता है उस सामने वाले को देख के। और फिर मदपान यानी नशीली चीजें या शराब पीने से जो आदमी झूमने लगता है और वैसा सब करता है तो फिर उस टाइप से जो लोग होते हैं वो चाहे कितना भी मतलब अपने अंदर रखने की कोशिश करे वो किसी ना किसी को पता चल ही जाता है और दुनिया के सामने आ ही जाता है। अब इसमें होता है खैर यानी कि जो कथा पान का वो प्रयोग जो किया जाता है पान में तो फिर वो होठों को लाल करके मतलब बता देता है कि मैं इसमें हूँ या मैं या फिर किसी मनुष्य ने पान खाया इस टाइप से। और खून भी अगर कहीं पे लग जाए कि कहीं तो फिर वो भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपना रंग उधर छोड़ देता है। फिर है कि जो खांसी, अब खांसी तो फिर भी कोई नहीं रोक सकता, मतलब छींक वींक तो फिर भी रोक ले पर खांसी नहीं रोक सकते। उसके बाद आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते, इसी को वैर कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। अब इसमें बताया गया है कि जो अगर किसी की किसी से दुश्मनी है तो फिर हम मतलब वो ऐसे करते रहेंगे और फिर या फिर कुछ गुस्से जैसा कुछ बोलेंगे या फिर लड़ेंगे, अच्छा तूने ऐसा किया था और मैंने ऐसा नहीं किया था, और ऐसे इस टाइप से लड़ते रहेंगे तो वो उससे भी पता ही चल जाता है। इसी तरह किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। अब सोचो कि नॉर्मल लोगों से ऐसे कोई हंस के बात कर रहा है और ये कर रहा है, पर अगर कोई ज्यादा किसी से रिस्पेक्ट से मतलब रिस्पेक्ट जो मतलब एकदम उसको जो बोल रहा है वो कर रहा है तो फिर हमको ऐसा लगता पता ही चल जाता है कि हाँ इससे ये प्यार करता होगा तभी इसके लिए इतना कुछ कर रहा है। उसके बाद है अपने आपने निशेड़ियों और शराबियों को देखा होगा जिन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने जरूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। जैसे मैंने बोला कि वो झूमता रहता है और इधर सही से नहीं चल पाएगा और उसके मुंह से शराब की बदबू भी आएगी और इस टाइप से वो इंसान को अगर दूर से भी देखे तो वो सीधे सीधे चल रहा होगा, कुछ भी बड़बड़ा रहा होगा, तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है या जो है मतलब उसने शराब पी है। इस तरह आपने देखा होगा कि जिन सात बातों की चर्चा दोहे में की गई है वह स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर दल देने के लिए यह कहा जाता है, अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है या हर कोई यह जानता है या कौन इस बात को नहीं जानता अथवा सभी जानते हैं या सबको पता है जी आदि आदि।
जानत सकल जहान, ऐसा ही प्रयोग किया है। तो मतलब ये जो इतने सारे जो बताए गए कि सब इन सब को छुपाया नहीं जा सकता और ऐसा सब, अरे भाई ये दुनिया सबको ही बताए तो क्या ऐसा छुपा दे, दुनिया सबको बताए। तो फिर इस टाइप की जो सारी बातें हैं उसका प्रयोग किया गया सब, मतलब इस जानत सकल जहान में एक्चुअली में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप देख रहे हैं ना, इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है। इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर? जी हाँ, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है जानते हैं? कहाँ कहाँ आपने यह शब्द पढ़ा या सुना है, यदि याद कीजिए। अभ्यास, रियाज, अब कुछ याद आया? हाँ, संगीत में, खेल में। अब इसमें बताया गया है कि इसमें आपने पढ़ा कि इसमें क्या बताया गया, इसमें एक्चुअली मतलब उसके वो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला है कि जैसे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, उस चीज का वो मतलब एक उस चीज से रिलेटेड दुआ दिया गया है। तो इस वजह से आ गया कि इससे कुछ आपको याद आ रहा है, तो रियाज करना या फिर अभ्यास करना। तो हाँ, इस चीज को आपने कहाँ सुना होगा? तो आप स्पोर्ट्स देखते होंगे या फिर आप मतलब म्यूजिक से रिलेटेड होंगे तो आपने ये बहुत सुने होंगे। आपको पता ही होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ है अभ्यास ही होता है। आपने बड़े बड़े संगीतज्ञों का साक्षात्कार या भेंट वार्ता इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज करते हैं। फिर सीखने वालों को भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इस तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटों का समय अपने खेल में खेल अभ्यास पे खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद यह भी पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को ही प्रैक्टिस या अभ्यास कहते हैं। फिर उसमें बताया गया कि आपको पता होगा कि जब लोग संगीत सीखते हैं तो वो सिर्फ वो जो लोग सीखते हैं वो ही नहीं, बट जो लोग पहले से बहुत अच्छे संगीतकार हैं और जो पहले से ही बहुत अच्छा गाते हैं, वो लोग भी सुबह सुबह उठ के या फिर जैसे उनको जब भी टाइम मिले वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसका, जो रियाज करते हैं। और रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। और जो संगीतज्ञों के से जब हम इंटरव्यू या वो सब सुनते हैं तो वो बताते हैं कि वो 10-12 घंटे तक मतलब प्रैक्टिस करते हैं। और वो नए जो सीखने वाले होते हैं उनको भी यही बोलते हैं कि आप लोग भी वैसे ही कीजिए। और इसमें बताया गया कि जो स्पोर्ट्स होता है स्पोर्ट्स में भी ये मतलब वो लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं। और ये जब वो जब इतने टाइम खेलते हैं तो उनसे वो बेहतर बनते हैं। और उनके समाचार वमाचार में भी देखते हैं तो फिर पूरी टीम मैच से पहले भी प्रैक्टिस करती है ताकि उनके मतलब प्री हो जाए, और ऐसे तो सभी प्रैक्टिस करते हैं। और जो वकील और जो डॉक्टर होते हैं वो अपने जो पूरा मतलब काम होता है जो नॉर्मली वो जाके एडवोकेट मतलब जाके एडवोकेटिंग करते हैं या फिर जो ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं वो सारे जो काम होते हैं वो उनको मतलब वो स्टार्टिंग से कभी काम करते ही नहीं, वो उनको प्रैक्टिस ही बोलते हैं। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ और बातें जान ले। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मती शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतना पदार्थ के इन दो भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। चेतन वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं और जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। अब इसमें बोला है कि आइए इस दोहे के भाव में एक्चुअली में इसमें क्या बताया गया है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो दोहे में कवि क्या बोलते हैं कि जो मतलब उन्होंने कहा कि जो अभ्यास करने से जो मतलब डफर जैसे लोग होते हैं वो भी मतलब बहुत होशियार और इंटेलिजेंट बन जाते हैं। और इसीलिए जड़मती शब्द का यूज किया गया है। नॉर्मली जड़ का मतलब एक मतलब तो होता है कि जो रूट्स होते हैं ट्रीज और प्लांट्स के, और सेकेंड जो उसका अर्थ होता है वो होता है कि उस मतलब ऐसा जो कि एक्चुअल मतलब वो उसको जड़ जो बोला गया वो इसलिए बोला है कि मतलब वो क्योंकि उसमें खुद बढ़ने की शक्ति नहीं होती, वो जमीन के नीचे होता है और उसको खाद पानी से ही वो बढ़ पाता है। और जो जड़ किसे कहते हैं वो पदार्थ होते हैं जिनमें अपना कुछ जीवन नहीं होता है, वो खुद अपने आप बढ़ नहीं सकते और
या वहां पे उसको बढ़ने के लिए या हिले डुले के लिए किसी और का सहारा चाहिए, लेकिन जो चेतन होते हैं वो चीजें होते हैं जो अपने आप बढ़ सकते हैं और उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। तो जड़ का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान। मति बुद्धि को कहते हैं। अतः जड़मति के अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का भी प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते हैं, चतुर बुद्धिमान विद्वान। अब इसमें बताया कि जो जड़ शब्द है उसका मतलब यह है कि जो चीज नहीं हिल रही अपने आप, या फिर जो रुकी हुई है, या वो मतलब बेजान है, उसे उसमें कोई जिंदगी ही नहीं है। और मति का शब्द होता है बुद्धि, मति शब्द का अर्थ। तो फिर दूसरा होता है कि जो जड़ मति का अर्थ हुआ कि जो अनमूवेबल टाइप जो बुद्धि होती है उसको जड़ मति बोला गया है। और उसके मतलब उसे अपने खुद के दिमाग लगा के वो कुछ नहीं कर सकता, उस हिसाब से दूसरों के दिमाग पे चल रहा है, दूसरे जो बोल रहे हो ऐसा कर रहे हैं और इस टाइप से। और भाषा में इसको नॉर्मल भाषा में ठस दिमाग भी बोलते हैं, और आमतौर पर इसको नॉर्मली हम मूर्ख, डफर या ऐसा सब बोलते हैं। और सुजान तो हम सबको पता है कि मतलब होशियार या जो इंटेलिजेंट और ऐसे सब शब्द। चलिए अब आपको हम थोड़े पहले के समय तक ले चलते हैं। आपने कुआं देखा है? हाँ ठीक है, आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरे करते थे। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और उसे कुएं में लटकाकर ढील देते गए। तल तक पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटक दिया, बाल्टी में पानी भर गया। अब इसे ऊपर खींच दिया। आपने ऐसा करते हुए देखा है कहीं, कभी देखा है? वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर आने जाने के लिए घिरनी लगी होती है। घिरनी तो बाद में लगने लगी, उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर की फर्श बनी होती थी, और रस्सी से उसके पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने ही हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। तो अब इसमें हमको पूछा गया है एक नॉर्मल से इंटरेस्टिंग वे में कि आपने कभी कोई वेल देखी है, कुआं? तो फिर वो नॉर्मली उसमें पानी जब निकालते हैं तो फिर कोई घड़ा या पानी तो उसमें रस्सी बांध के निकालते हैं, तो वो जब डालते हैं उसको ऊपर नीचे थोड़ा सा करते हैं, फिर उसमें पानी भर जाता है और फिर उसको खींचते हैं ऊपर। तो कहीं ऐसा तो पुली वाला तो नहीं देखा? पुली वाला नहीं, जो घिरनी वाला, वो तो बाद में लगे। पहले तो नॉर्मली लोग खींच के निकालते थे, तो फिर वो जो पत्थर जो साइड में लगे हुए थे कुएं के, तो उसको जब निकालते थे तो पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन जब उसको खींचते थे तो फिर वो पत्थर में भी गहरा गड्ढा जैसा बनता था, वो बार बार ऊपर नीचे होने की वजह से, रस्सी लगने की वजह से। पत्थर के लिए संस्कृत शब्द शिला है, जिससे हिंदी में शील शब्द बना है। अब इस दोहे के भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है, ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर भी उसका निशान बन जाता है। इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। तो अब हमको जब सब कुछ पता चल गया कि शिला को संस्कृत शब्द है और उसको शील बना दिया गया है हिंदी में, तो इससे हमको आराम से पता चल जाता है कि जो कवि बोल रहे हैं वो हमको बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो प्रैक्टिस जो करता है वो अगर आप अच्छे हो तो अच्छी बात है, अगर आप मूर्ख भी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और जिस काम में भी इंटेलिजेंट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में, या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो उस चीज़ में आप इंटेलिजेंट बन जाते हो। और जो रस्सी है आपकी मतलब जैसे कि ये उसी टाइप से उससे रिलेटेड है, जैसे कि अगर हम कोई कुआं है, कुएं में से निकालते हैं जब पानी, तो जो साइड के पत्थर है वो कितने टाइट होते हैं और कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिर भी एक मतलब ऐसे हिलती डुलती रस्सी उसको उसके वहां से लेने से वहां पे गड्ढा जैसा बन जाता है। तो इसीलिए हमें सफलता पाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और हमको इसलिए अभ्यास करना चाहिए। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नैना देत बताए सब हिय के हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। इस दोहे में शब्द आया है आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है? आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्री अंगूठे में पहना करती थी। इसमें एक शीशा आईना लगा होता था। अपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी वास्तव में रूप रंग और साज श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने के प्रकट कर देती है। आप शीशा देखते हैं, क्या करता है
वो यही ना कि जो जैसा है अच्छा या बुरा उसका प्रतिबिंब कर देता है, बता देता है। और ऐसे बताया गया है कि इसमें एक वर्ड है आरसी, आरसी का मतलब क्या होता है, शीशा या फिर आईना। और आरसी उसको भी कहते हैं, एक टाइप की ज्वेलरी होती थी जो मतलब वुमेन जो होते थे वो अंगूठे में पहनते थे जिसपे एक आईना लगा होता था, तो वो ज्वेल उसमें उससे क्या होता है वो अपना जो चेहरा है वो देख पाती थी, और अपना जो उन्होंने मेकअप वेकअप किया होगा उस टाइम पे जो भी, तो वो देख पाती थी। और निर्मल और जो साफ सुथरा जो होता था वो आरसी, तो वो जैसा कोई इंसान है उसको वैसा ही दिखा देता था, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा मतलब कैसा दिख रहा है वो बता देता था। और उसने हमको फिर पूरा बोला है कि आपने कभी शीशा देखा है, तो शीशे में आप जब देखते हो तो क्या बताए, चाहे कोई भी अच्छा दिख रहा हो बुरा दिख रहा हो, वो जैसे को तैसे ही मतलब जैसा सामने वाला दिख रहा है वैसा सेम टू सेम हमको बता देता है, हमारे प्रतिबिंब दिखा देता है। तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी के नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आंखों में चमक होती है, क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती है, अगर शोक हो तो आंसू उमड़ आते हैं, वगैरह वगैरह। आंखें ही व्यक्ति के मन में के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती है। बिहारी भी लिखते हैं, झूठे जान न संग्रहे मुख सो निकसे बैन, या ही ते विधि न किए बातन को ये नैन। अब इसमें बताया गया है कि इस दोहे में आंखों के बारे में बताया गया कि जो आंखें होती है वो मनुष्य क्या सोचता है अंदर से वो अच्छे से बता देती है, और हम जैसे कि एक आरसी होती है वो कोई बुरा ये दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है वो एकदम फटाफट उसको देखने से पता चल जाता है उसमें, तो इसी तरह किसी मनुष्य की जो आंखें होती है उससे उसके भाव का पता चल जाता है, जो जिसके जो प्यार करता है उसके आंखों में अगर सामने से जिसे वो प्यार करता है वो आ जाए तो वो अचानक से बहुत खुश हो जाएगा, तो अगर वो खुशी होने का ना भी दिखाए तो आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाएगी जिससे पता चल जाता है। फिर अगर कोई क्रोध कर रहा हो तो उसकी आंखें एकदम आग बबूला लाल जैसी हो जाती है, तो फिर उससे भी वो मतलब उस पता चल जाता है कि वो उसको गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। अगर कोई रो रहा है या शोक मना रहा है तो फिर उसके भी आंसू आ जाते हैं, तो उससे भी हमको पता चल जाता है वो दुखी है। तो इस तरह से और भी चीजें, अब आंखें सारे मतलब व्यक्ति के जो अंदर के भाव है वो एकदम एग्जैक्टली वो बाहर बता देती है। और बिहारी भी लिखते हैं कि नीचे दिया गया है कि जो जो झूठे होते हैं मतलब झूठी जो जान होती है वो भी, और इसका मतलब ज्यादा तो इतना नहीं पता चल रहा है पर शायद नेक्स्ट पढ़े तो पता चल जाए, तो हाँ अभी दिया गया शायद पढ़ती हूँ मैं। मुख से निकले वो हुए वचन तो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि मुंह से कोई भी चीज निकले वो झूठी हो जाती है। इन वचनों को झूठ जानकर या कवि जानकर ही कवि ना कहा कि सच्ची बात तो आंखों से कह सकते हैं, इसलिए सच को व्यक्त करने के लिए भगवान ने ये नयन दिए हैं। कवि इस दोहे में बताना चाहते हैं कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती है, हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है। अब उस जो सेकंड वाले दो मतलब एट्थ के जो नीचे जो अभी जस्ट जो हमने दोहा पढ़ा उसका मतलब ये है कि हमारे मुंह से तो भले ही झूठ निकल जाए, हम झूठ अगर सोचो कि अगर हम किसी पे गुस्सा है तो फिर हम उसको यूं भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो कहाँ गुस्सा है, हम नहीं गुस्सा है, पर अगर हमारी आंखों से पता चल जाता है कि हम उस पर गुस्सा है या नहीं। और इसी तरह नीचे भी कवि ये एट्थ के हिसाब से बताया गया, एट्थ वाले दोहे के हिसाब से, कि कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जो हृदय में जो अपने हार्ट में वो क्या सोचता है हमारे बारे में उसका पता उसकी आंखों से ही चल जाता है, और हम उसके आंखों को देख के ही हम बता सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। तो चलो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, अगर दूसरे चैप्टर्स मैंने अपलोड किया हो तो देख लेना, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।